तो हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी के में। तो आज हम लोग नाउन संज्ञा पढ़ाने वाले इंग्लिश हिंदी ग्रामर से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। संज्ञा कैसे करते हैं, तो पहले हम इसे परिभाषा में डोनेट करना चाहते हैं। तो देखिए, पहले आप लोगों को नाउन के परिभाषा बताते हैं संज्ञा का। संज्ञा संज्ञा देखिए, संज्ञा कैसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु वस्तु प्राणी प्राणी या भाव के नाम को के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा कैसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे कि व्यक्ति, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम, श्याम, ये सब आते हैं, या वस्तु चेयर कुर्सी, रामायण, ये सब आते हैं संज्ञा में। और देखिए, संज्ञा कितने भागों में बांटा गया है, संज्ञा जो है नाउन वो कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए, संज्ञा 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, संज्ञा वो 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, जो पहला संज्ञा है वह व्यक्तिवाचक दूसरा जो है वो है जातिवाचक, तीसरा जो है वो है समूहवाचक, चौथा जो है वह है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, पांचवा जो है वो है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक भी इसे कह सकते हैं, भाववाचक। देखिए, संज्ञा जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा जो है क्या, भाववाचक है। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में आप जानते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। आज हमें नाउन का पूरा बात क्लियर करना है। देखिए, चलिए तो अब हम लोग पहले आपको व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ाते हैं, व्यक्तिवाचक का परिभाषा, उसमें क्या क्या आते हैं व्यक्तिवाचक में। तो देखिए, व्यक्तिवाचक देखिए, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति विशेष व्यक्ति व्यक्ति वस्तु
भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में किसी विशेष व्यक्ति जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू महात्मा गांधी, और सारे आते हैं व्यक्तिवाचक में। इसमें आते हैं तो देखिए, सॉरी दोस्तों रुकिए, देखिए जैसे कि जो एग्जाम्पल में व्यक्तिवाचक में जो सबसे विशेष आते हैं वो आते हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राम, निखिल, सोहन, ये सब जो आते हैं ये सब बहुत सारे आते हैं। लेकिन अब हम लोग दो के बारे में बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल में वस्तु के बारे में जैसे कि रामायण, भागवत गीता, और सारे जो है ये सब जो आते हैं वो आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जैसे कि बहुत सारे व्यक्तिवाचक, देखिए कैसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रामायण, भागवत गीता, बहुत सारे आते हैं। तो चलिए अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा परिभाषा, जिस संज्ञा सबसे वर्ग या पूरे जाति का बोध हो, हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जातिवाचक किसे कहते हैं, जिस संज्ञा सबसे किसी वर्ग या पूरे जाति का बोध हो तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए मनुष्य, देखिए इसमें एक बात आपको सीखने को मिली, मनुष्य जैसे कि हम लोग एक मनुष्य की बात नहीं कर रहे, पूरे संसार के मनुष्यों की बात कर रहे, पूरे पृथ्वी में, तो जो पूरे जाति का बोध हो यही होता है मनुष्य। जैसे कि गांव, में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि मैं भी गांव में रहता हूँ, जैसे कि गांव में एक आदमी का बोध नहीं कर रहा, पूरे गांव का बोध कर रहा है। मतलब कि एक गांव, एक आदमी नहीं कि गांव में एक आदमी रहता है, ये नहीं कि राम रहता है, पूरे गांव का बोध कर रहा है कि गांव है, पूरे जाति का बोध। लड़का में पूरे जाति का बोध, लड़की, कक्षा, देखिए कक्षा में ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पर एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, ये बोल रहा है कि पूरे कक्षा में, जैसे कि पूरा कक्षा, पूरे कक्षा है ये, मतलब कि एक रूम है। जाति वाचक मतलब कि पूरे जाति का बोध, ये नहीं कि ये एक विद्यार्थी है, राम एक विद्यार्थी है, ऐसे नहीं,
यह क्लासरूम है, जैसे कि यह कक्षा है ना। तो चलिए अब हम लोग किसके ओर बढ़ते हैं, समूह देखिए वाचक। अब जो हमारा आता है वो आता है समूह वाचक, जिसे कि हम लोग कहते हैं समुदाय वाचक। तो देखिए इसकी जो परिभाषा होती है ये होती है, जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराता है, उसे हम लोग कराता है उसे समूहवाचक वाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जिसे कहते हैं, जो संज्ञा किसी समूह का बोध कराता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि झुंड, या बच्चों का झुंड है या भेड़ का झुंड है, ऐसे ही झुंड बोलते हैं, यानी कि ये भेड़ है। जाति वाचक और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन देखिए झुंड, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि ये झुंड आ रहा है, मतलब कि बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, है ना। और सैनिक, ये नहीं बोल रहा है कि राम एक सैनिक है, यह बोल रहा है कि सैनिक, ये सैनिक है, बहुत सारे सैनिक, मतलब कि ये सैनिक है। कक्षा, इसमें भी कक्षा आती है, जैसे कि देखिए ये नहीं है कि ये बच्चा है, एक विद्यार्थी है, कक्षा, ये एक कक्षा है, इसमें कितना विद्यार्थी है ये कक्षा ही कहलाएगा, क्योंकि ये कक्षा है, एक रूम है। तो चलिए अब हम लोग किसके ओर बढ़ते हैं, रुकिए देखिए फिर से एक और बार देख लीजिए। जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में झुंड, सैनिक, कक्षा, डॉक्टर, बहुत सारे आते हैं। तो चलिए अब हम लोग द्रव्यवाचक की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक, इसकी जो परिभाषा होती है, तो देखिए इसकी परिभाषा होती है, जो संज्ञा द्रव्य पदार्थ यह धातु का बोध कराता है, है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, वाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए किसे कहते हैं, जो संज्ञा द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लीजिए, घी, हिंदी में कहते हैं घी, सोना, चांदी, ये सब जो आता है इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए जो संज्ञा द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में घी, सोना, चांदी, रुपया, बहुत सारे आते हैं इसमें, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम लोग भाववाचक आखिरी की ओर, हम लोग भाववाचक की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका परिभाषा, जो संज्ञा शब्द से किसी किसी
गुण, दोष, तथा अवस्था का बोध हो, अवस्था का बोध हो, उसे हम लोग उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, देख किसे कहते हैं, जो संज्ञा सबसे किसी गुण, दोष तथा अवस्था का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अच्छा, बुरा, स्वस्थ, और जो आते हैं वो आते हैं किसमें, भाववाचक। देखिए जो संज्ञा सबसे, कोई देखिए गुण बताए कि अच्छा लड़का है, दोष बताए कि बहुत ही खराब है, तथा तो अवस्था की बहुत ही स्वस्थ आदमी है, उससे हम लोग भाववाचक संज्ञा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अच्छा, बुरा, स्वस्थ। तो ऐसे ही आज की वीडियो हम लोग ऐसे ही समाप्त करते हैं, जैसे क्योंकि आज हम लोग संज्ञा पूरा ही खत्म कर दिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।